जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं आपका कल यूट्यूब में देख रहा था, आपका वो चार धाम यात्रा का टीका, इसलिए नंबर रखा था। हाँ जी भैया। तो आप लोग पैकेज बनाते हैं क्या चार धाम के लिए? नहीं नहीं, पैकेज नहीं, मतलब जैसे हम यात्रा करके आ चुके हैं, किसी और को जाना हो तो जो भी उनसे हेल्प हो पाती है, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए बता देते हैं। ये आप लोगों का कुछ सेवा कुछ बोल रहे थे, जय बाबा भोले जी का सेवा सरकार। हाँ हाँ, भोले की सेवा समिति यही है, हम पैसे वैसे नहीं लेते, मतलब जैसे किसी को जाना है, हमारे से कोई हो तो, मतलब जो हो पाएगा हमसे नंबर वगैरह ट्रांसपोर्ट का होटल का हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी मुंबई से सुन रहे हैं, कल मैं वीडियो देख रहा था। कितने लोग हैं आप? लोग फैमिली है, 8 लोग है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से दिल्ली आ गया, दिल्ली से भी गाड़ी बुक कर सकते हैं या हरिद्वार से कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए सोचे, पहले हरिद्वार जाएंगे क्योंकि दिल्ली हमारे लिए तो फिर लंबा हो जाएगा ना। बस बस, हरिद्वार भी ठीक है। हाँ जी, फिर दिल्ली या दिल्ली से वापस हरिद्वार आऊँ। आपको चार धाम, आपको चार धाम उत्तराचल करने हैं, ये मतलब बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री वाले? नहीं, जा रहा है तो अभी क्या सोच रहे थे कि चार धाम एक साथ में कर ले रहे हैं ना। हाँ जी। तो चार धाम एक साथ में कर ले रहे तो अच्छा है ना, फिर एक बार बैठना है केदारनाथ बद्रीनाथ जी करे, फिर बार बार तो है। हाँ, बार बार वो बच्चे लोगों का स्कूल भी है और ना भी मुश्किल है, तो आपके हिसाब से क्या ठीक रहेगा कि चार धाम एक साथ में करना ठीक रहेगा? नहीं, दो दो एक साथ में ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी कर लें, अगली बार गंगोत्री यमुनोत्री कर लें, ऐसे भी ठीक है। लेकिन अगर टाइम है तो चारों धाम खर्चा कम लगेगा ना, फिर चार धाम का इकट्ठा करोगे तो खर्चा भी कम लगेगा, इकट्ठा कर लेंगे गाड़ी तो आपको गाड़ी वाला मतलब पूरा घुमा के आपके एक बारी में चार धाम हो जाएंगे। तो आप लोग कभी 2019 में गए थे? हम 18 में गए थे सर, बद्रीनाथ जी केदार। ये वीडियो आप लोग ने अखाड़ा का था? हाँ जी, अखाड़ा का वीडियो था मतलब। हाँ हाँ, यात्रा का। अमरनाथ जी तो हर साल जाते हैं, बाबा अमरनाथ जी हर साल जाते हैं, मणिमहेश, किन्नर कैलाश जी, श्रीखंड। लेकिन चार धाम हम 18 में या 17 में गए थे, उस टाइम का वीडियो, वीडियो डाले भी नहीं है, केदारनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के डाले नहीं है ज्यादा, तो उस टाइम गए थे। हाँ जी, तो आप लोग मतलब हरिद्वार, मतलब मानिए हम यहाँ से हरिद्वार जाए, बराबर? हाँ जी हाँ जी। हरिद्वार में होटल वगैरह मिल जाते हैं ना बहुत आराम से? एक्चुअली क्या होता है ना, अप्रैल में कपाट खुलते हैं, तो उस टाइम थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, तो हम लोग तो अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में क्या होता है भीड़ थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अक्टूबर में तो हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल वगैरह। हाँ, अप्रैल में ऐसा है, काफी सारी धर्मशाला के नंबर मिल जाएंगे ऑनलाइन आपको, धर्मशाला के होटल से बात करके वीडियो फोटो वगैरह मंगा लेंगे आप अपने फोन के ऊपर, तो बताने से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वहाँ से पैकेज में बनाना, आप सिर्फ गाड़ी कर लेना अपनी ना, होटल वगैरह खुद बुक करना अपना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप हरिद्वार पहुँचोगे, हरिद्वार से आप फोन के ऊपर भी ट्रेवलर्स वाले से बात कर लेंगे, ना हो तो मुझे बताना, मैं किसी का नंबर दे दूंगा आपको ना, तो वो आपको बता देगा कि चार धाम आप कितने दिन में होंगे, ये प्लान है। तो गाड़ी वाले से तो आप पैकेज कर लेना अपना कि भैया फिक्स अमाउंट है और इतने दिन में हमें घुमा देना, जो भी वो मांगेगा पैसा। उसके बाद जहाँ आपको ठीक लगे, आपकी फैमिली को ठीक लगे रुकने का, रुकने का लगे कि रुकना है हमें, ये करना है वो करना है, तो आप कहीं भी होटल बात की, जहाँ आपको जमेगा वहाँ रुक गए। कंडीशन कई बार ना ऐसा होता है पैकेज में, ऐसा होता है आपके हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी, आप पैसा भी हाँ पैसा वो खाना नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा, और खुद से करोगे तो सारी फैसिलिटी आपको, हम गए थे तो हम भी 35 लोग थे, तो हमने भी ऐसे ही किया था। तो जहाँ लोगों का जहाँ हमें जमता था कि भैया रेट ठीक ठाक है और यहाँ होटल सस्ता है, हम वहाँ कर लेते थे। जरूरी थोड़ी सिटी में रहना है या मंदिर के पास रहना, कहीं आगे पीछे रह लो, सस्ता मिल जाता है। नहीं तो गाड़ी अपनी, गाड़ी वाला चलता रहता है, जहाँ लगा वहाँ रुक गए, अगर सब लोग कम्फर्टेबल है तो गाड़ी खींच दो, जल्दी हो जाता है ट्रिप। मतलब गाड़ी आप अपने हिसाब से करो, पैकेज में क्या होता है आप बन जाते हो, है ना, वो अपने हिसाब से बोलेगा चलो तबियत खराब है सुबह चलना ही पड़ेगा, आपका मन है कि हरिद्वार में 2 दिन लगाऊं या केदारनाथ जी में एक दिन एक्स्ट्रा लगा लूं, तो वो मजा नहीं आएगा आपको ना। नहीं, बराबर, पैकेज में जाएंगे तो अपन अपने हिसाब से नहीं घूम सकते। हाँ, अपनी मर्जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ,
वो फिर उन लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई एक दो घंटे घूम के आओ। पैकेज पैकेज में सही रहता है, एक दो लोग तो पैकेज में सही रहता है, आठ लोग हैं मेरा, आप अपना खुद से बना लीजिए। जी मेरा आपसे पूछने का ये है कि अभी मान लीजिए हम हरिद्वार से तो कहीं भी अपना केदारनाथ गया या जगन्नाथ गया, लेकिन होटल वगैरह वहाँ मिल जाते हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ जी आराम से मिल जाते हैं होटल, कोई दिक्कत नहीं आता। और ये जो मैं और भी एक वीडियो देखा है लोग उत्तराखंड की जो बस सेवा चलती है वो भी अच्छा है, तो हाँ हाँ जो गवर्नमेंट मैं आपको मैं हाँ हाँ आइडिया है। एक्चुअली कहता है कमाऊ मंडल की बसें चलती हैं वहाँ पे ना गवर्नमेंट की, अच्छा वो तो सबसे बेस्ट है। हाँ अगर आपकी फैमिली में ज्यादा छोटे बच्चे नहीं है और ज्यादा बूढ़े लोग नहीं है तो बस की टिकट, छोटे बच्चे भी नहीं है बूढ़ा बूढ़ा भी नहीं है सब मतलब बस योगदान। हाँ तो उसमें सर ये है कि अगर आपको खर्चा कम करना है ना उसमें आपका पैसा बच जाएगा और आप बाउंड नहीं होंगे। बड़ा बड़ा भी सही है, खर्चा भी थोड़ा करना है कमी है क्योंकि सब तो एक तरीका नहीं है, देखिए बिल्कुल सैलरी कम है तो ऐसा भी है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप हरिद्वार पता है क्या होता है ना, जैसे आप टेम्पू करेंगे तो उसमें भी आप थोड़ा बन जाएंगे, आपको फ्रीडम में घूमना है एक आधा दिन फालतू लेना है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो आप हरिद्वार पहुँचे, रात को ही कमाऊ मंडल जी की बसें चलती है वहाँ से, कमाऊ मंडल की उसका टिकट बुक कर लें, सुबह वो 5-6 बजे निकलती है वहाँ से तो सीधा आपको मिल जाता है, उसका भी ऑनलाइन बुकिंग होता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं आप आराम से। देखो सर ऑप्शन आपके पास सारे होते हैं, अगर आपको बस नहीं मिली आप टैक्सी कर लो, उसमें आप बनते नहीं हो ना, बन नहीं पाते हो आप उसमें, बस मिल गई आपका 500-600 रुपये टिकट लगा आप केदारनाथ जी पहुंच गए आराम से, रात को आपने अपनी चढ़ाई उड़ाई की वापिस आए, देखा भैया क्या टाइम हो रहा है क्या कन्वेंस सही रहेगा, नहीं रहा कोई तो होटल कर लिया है तो कोई गवर्नमेंट की बस का टिकट लिया कहीं पहुंच गया आप आगे तक, उसमें ये फायदा रहता है। उसमें ये होगी बच्चे बच्चे ना होगी, बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं तो ये मतलब सजेस्ट करूंगा आपको कि बच्चे और बूढ़े साथ में हैं तो फिर आप गाड़ी करें, बच्चे बूढ़े साथ में बच्चे बूढ़े तो बिल्कुल ही नहीं, सब 20-40-50 साल के अंदर का ही है। हाँ तो मतलब उनको मतलब काफी लंबा सफर है ना बस का भी, गवर्नमेंट की बस का भी ऐसे है कहीं कहीं रुकेगी हर जगह नहीं रुकेगी वो भी, तो आप अपना टेम्पो मतलब छोटी गाड़ी कर लें टेम्पो ट्रेवलर वगैरह कर लें तो उसमें ये जरूर की खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन आप लोगों को आराम मिलेगा। ठीक है बाकी जब आप राजेश नाम है मेरा, बाकी जब आप प्लान करोगे ना हमारी तो मुझे कॉल करना ना, जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी वहाँ पे मैं करवा दूंगा। ठीक है जो भी नंबर आपने आपने कितना हेल्प किया तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। नहीं जी देखो जी बाबा जी का काम है और बताने में अच्छी बात है ना, आप दर्शन करके आओगे तो कुछ हमें भी मिलेगा है ना, करना भी चाहिए आगे, मेरा पास भी कोई ऐसा ऑप्शन आए कोई मुझे फोन करे मैं भी जरूर बताऊंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, पब्लिक नहीं जाते और भगवान जी का दर्शन करने जाते हैं तो अच्छी है। बिल्कुल हम लोग गया था वो ओंकारेश्वर महाकालेश्वर गया था, आरती वगैरह जो वहाँ दर्शन किए, आपको भी उसके बारे में कुछ जानना है तो मुझे उसका बोलने के मौका दीजिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, मैं जो भी मुझसे बस का हो पाएगा होटल का हो पाएगा मैं करवा दूंगा। ठीक है जब मुझे प्लान करोगे तो मेरी बात करना, मेरा नंबर सेव करना। ठीक है आपका नाम जरा राजेश है, राजेश आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है? हाँ ये नंबर व्हाट्सएप में है, राजेश भाई मेरा भी ये नंबर व्हाट्सएप है, मुझे मैसेज कर दीजिए आप। ठीक है आप और मेरा बात हो रहा है इसका मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि किसी और को भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ओके जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।